साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में कितनी गंदगी, कितनी नफरत भरी है ये हम सभी जानते हैं और यहाँ कैसे लोगों को बर्बाद किया जाता है ये भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। लेकिन कोई इंसान अपने बर्थडे पर ही रो पड़े, अपने जन्मदिन पर ही उसका दर्द छलक जाए तो इंतहा का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ, उर्मिला मातोंडकर ने अपने जन्मदिन पर अपना मुंह खोला है और बॉलीवुड के गुंडराज पर खुलकर बड़े खुलासे किए हैं। यही नहीं, उस थप्पड़ की कहानी भी सुनाई है जो उर्मिला को मारा गया था और जिसके कई सालों से लगातार चर्चे हो रहे हैं। यही नहीं, उर्मिला ने 3 लोगों पर करियर खत्म करने का आरोप भी लगा दिया। तो क्या क्या कहा उर्मिला मातोंडकर ने अपने जन्मदिन पर, कैसे पूरी पोल खोल दी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उर्मिला मातोंडकर एक दौर में टॉप की हीरोइन हुआ करती थी। हालात ये थे कि उर्मिला के पास 90s के दौर में फिल्मों की डेट्स तक नहीं होती थी। उर्मिला रात में फिल्मों की शूटिंग किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि अचानक उर्मिला को बेहद कम उम्र में फिल्मों से बाहर होना पड़ा। जी हाँ, बहुत ही छोटे से करियर में उर्मिला मातोंडकर को फिल्मी दुनिया से बाहर कर दिया गया और इसके पीछे अब उर्मिला ने साजिश गुंडराज की बात खुलासा किया है। 4 फरवरी को उर्मिला का जन्मदिन है और इसी दिन उर्मिला ने ये खुलासे किए हैं। उर्मिला ने मुंबई में एक पोर्टल से बातचीत की जिसमें बहुत सारी बातें कही हैं। उर्मिला ने पहले तो कहा कि उन्होंने जो फिल्मों में काम किया उसका उन्हें ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। उर्मिला मातोंडकर ने सबसे पहले फिल्म रंगीला का नाम लिया और कहा कि उतनी बड़ी हिट फिल्म रंगीला थी और वो भी जब मैं सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे छोटे कपड़े, मेरे बिकिनी के लिए याद किया गया। फिल्म की सफलता का मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया और सारा का सारा क्रेडिट आमिर खान ले उड़े और जो कुछ बचा हुआ क्रेडिट था वो डायरेक्टर के खाते में चला गया। अब उस फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा थे जिनके साथ उर्मिला का लंबा अफेयर भी चला और लंबे समय बाद उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा का जिक्र किया। जी हाँ, ये पहली बार हो रहा था जब उर्मिला रामू का जिक्र कर रही थी। उर्मिला से पूछा गया कि तो क्या रामू ने कभी भी आपको उस फिल्म के लिए क्रेडिट नहीं दिया, तो उर्मिला ने कहा कि उस फिल्म क्या किसी भी फिल्म के लिए राम गोपाल वर्मा ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया और एक तरह से मेरी ये बर्बादी ही थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी जो उर्मिला कह रही थी। हालांकि उर्मिला ने अपने अफेयर पर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि उनकी ज्यादातर फिल्में राम गोपाल वर्मा के साथ ही बन रही थी और रामू फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ दुश्मनी बनाए हुए थे और रामू की वजह से उन लोगों ने भी मुझे किनारे कर दिया, उन लोगों ने मुझे साइडलाइन कर दिया और यहाँ तक कि मुझे वायलेंस झेलना पड़ा। अब यहाँ पर तुरंत ही पोर्टल ने सवाल पूछ लिया कि क्या आप उस थप्पड़ की बात कर रही हैं जो कि राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने आपको मारा था, तो उर्मिला ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। जी हाँ, उर्मिला ने साफ साफ उस बात को नकारा नहीं, यानी कि इनकार नहीं किया और एक तरह से साफ बता दिया कि उर्मिला को राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने थप्पड़ मारा था और वो भी रामू के साथ अफेयर के चलते। अब यहाँ पर उर्मिला का ये भी कहना था कि रामू की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने दुश्मनी ली, पत्नी का थप्पड़ खाया, लेकिन फिर भी राम गोपाल वर्मा ने ही उन्हें अपनी फिल्मों से निकाल दिया और बाद में बर्बादी के लिए अकेला छोड़ दिया। उर्मिला ने कहा कि बॉलीवुड में एक तरह से गुंडाराज चलता है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। बड़े बड़े फिल्मकार अपनी फिल्मों में उन्हें ही लेते हैं जो उनके घर जाता है, जो उनकी जी हुजूरी करता है, जो उनके साथ पार्टी में गंदे तरीके से डांस करता है और उनकी चमचागिरी करता है। उर्मिला ने नाम लेकर कहा कि साल 2004 में मेरी उम्र सिर्फ 30 साल थी, लेकिन मुझे तभी फिल्मों से आउटडेटेड मान लिया गया था, मुझे काम देना बंद कर दिया गया था और मेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई कि वो अब काम करना नहीं चाहती, वो ज्यादा पैसे डिमांड कर रही है और वो अनप्रोफेशनल हो गई है, इसीलिए उसको फिल्मों में अब काम मत दो। उर्मिला ने कहा कि मेरे नाम का बॉलीवुड में बकायदा सर्कुलर निकाला गया और उर्मिला ने कहा कि जो बॉलीवुड के अभी सो कॉल्ड बड़े फिल्म मेकर बने हुए हैं उन्होंने साजिशें करके मैं और मुझ जैसे खुददार एक्टर्स को इंडस्ट्री से बाहर कर दिया और इसके लिए डी कंपनी तक का सहारा लिया गया। जी हाँ, ये बड़ा और नया खुलासा भी उर्मिला ने किया। उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल बनाया जाता है, हर तरह से डराया जाता है, काम नहीं मिलने का डर, पैसे कम मिलने का डर, करियर खत्म करने का डर, जिंदगी खत्म करने का डर, यानी कि सिर्फ डर के सहारे कुछ लोगों ने अपनी दुकान लगाई और फिर धीरे धीरे उस दुकान को चमकाया और फिर धीरे धीरे बड़े फिल्म मेकर बन गए और अब उन्हीं का बॉलीवुड में राज चल रहा है।
हालांकि उर्मिला ने यह जरूर कहा कि वो अपने करियर से संतुष्ट हैं, लेकिन वो जानती हैं कि उनका करियर और बेहतर हो सकता है, उनको और ज्यादा क्रेडिट मिल सकता था, उनका करियर शानदार हो सकता था, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि इसके पीछे साजिशें रची गई। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब कुछ उर्मिला अपने जन्मदिन पर बोल रही थी, खुलासे कर रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उर्मिला का दर्द कितना ज्यादा होगा। तो आपका क्या कहना है, क्या वाकई ऐसा बॉलीवुड में होता है या फिर ये सब कुछ पब्लिसिटी का तरीका है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बॉलीवुड के हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आमिर खान जैसे बड़े स्टार को अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के लिए सेफ डेट की तलाश है और बिना किसी खास ओकेजन के आमिर खान तक फिल्म को रिलीज करने से बच रहे हैं और अब तक कई बार अपनी फिल्म की रिलीज को आगे खिसका चुके हैं और अब भी उम्मीद या कहें कि अब भी संभावना बनी हुई है कि आगे भी आमिर खान अपनी फिल्म की रिलीज डेट को खिसका सकते हैं। यानी कि बॉलीवुड वालों की फिल्म इंडस्ट्री के सो कॉल्ड बड़े फिल्म मेकर्स की हालत खराब है और वहीं पर साउथ इंडस्ट्री राज कर रही है, रूल कर रही है। न सिर्फ साउथ सिनेमा में उनका राज चल रहा है बल्कि हिंदी में डब होकर आ रही फिल्में भी कमाल कर रही है और हालिया फिल्म पुष्पा ने तो सफलता के झंडे गाड़े हैं, वो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। अब इन सब के बीच साउथ फिल्मों की बड़ी स्टार और अब बॉलीवुड में काम कर रही प्रेमणी ने अपना मुंह खोला और पहली बार, जी हाँ पहली बार, बॉलीवुड को लेकर, साउथ इंडस्ट्री को लेकर और इनके बीच चल रही अंदर की बातों को लेकर बहुत कुछ कहा है। प्रेमणी ने कहा कि बॉलीवुड के लोग साउथ इंडस्ट्री को, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा हल्के ढंग से देखते थे। फिल्म मेकर्स को साउथ के लोग सिर्फ अयो तुम कैसा जी, तुम क्या करता जी, ऐसे ही डायलॉग के लिए मिलते और पिछले 15 से 20 सालों में ये भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले लोगों को या फिर साउथ कैरेक्टर्स को सिर्फ जोक या फिर मजाकिया तौर पर फिल्मों में लिया जाता क्योंकि मुंबई फिल्म मेकर्स सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ही यहां दिखाना चाहते थे और उन्हीं को देखना चाहते थे और इसीलिए सिर्फ हिंदी बोलने वाले मुंबई के आसपास के रहने वाले लोगों को ही फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मौके मिलते रहे हैं। प्रेमणी ने आगे कहा, लेकिन साउथ इंडस्ट्री ने अपनी जो जबरदस्त धमक दिखाई है वो कमाल की है और उसने बॉलीवुड की चूले हिला दिए हैं। अब यहाँ पर प्रेमणी ने सुशांत सिंह राजपूत केस का जिक्र किया। जी हाँ, प्रेमणी ने कहा कि पिछले 2 साल में जब कोरोना काल हुआ या कहें कि पिछले 2 साल में जब बाहरी लोगों और नेपो किड्स को लेकर बात हुई, बाहरी लोगों से हो रहे गलत बर्ताव पर बात हुई, सुशांत सिंह के जाने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव आया जिससे बॉलीवुड के कुछ बड़े लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, जो लोग बाहरी लोग हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से अब तक परेशान थे, वो लोग खुश हैं और उन्हें अब कहीं न कहीं तरीके से काम मिल रहा है। आगे देखिए, प्रेमणी ने कहा कि एक तरफ तो बॉलीवुड में बाहरी और अंदर वालों की लड़ाई चल रही थी और बॉलीवुड के सो कॉल्ड बड़े लोग मुश्किल में आ रहे थे, तो उसी वक्त साउथ इंडस्ट्री राज कर रही थी। प्रेमणी ने कहा कि कोरोना के दौरान सूर्यवंशी को छोड़ दें तो कोई भी बॉलीवुड मूवी हिट तो दूर, अपनी लागत का आधा या कहें कि चौथाई भी नहीं वसूल पाई और बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में ढेर हो गई, सलमान खान, रणवीर सिंह, यहाँ तक कि अजय देवगन की भी फिल्में फ्लॉप हो गई, हजारों करोड़ बॉलीवुड के डूब गए, जबकि साउथ की एक नहीं बल्कि कई फिल्मों ने कमाल का बिजनेस किया। जय भीम हो, मास्टर हो या फिर हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा, सभी ने जबरदस्त बिजनेस किया और न सिर्फ साउथ में बल्कि हिंदी में डब मूवीज ने भी कमाल का काम किया और साउथ इंडस्ट्री ने जबरदस्त राइज किया, बॉलीवुड को बहुत पीछे धकेल दिया। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।